14 अगस्त के बेहतरीन प्रोग्राम करने पर तमाम बिजनेसमैनों का, स्पॉन्सर्स का और तमाम ही इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम और ऐसा एक इवेंट क्रिएट किया कि पूरे पाकिस्तान से, आप यकीन जाने पूरे पाकिस्तान से और जहाँ जहाँ दुनिया में पाकिस्तानी है सभी ने मुबारकबाद भेजी है। और उस दिन बेहतरीन कवरेज करने पर मैं अपने साफी भाइयों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम मीडिया हाउसेस का, तमाम डायरेक्टर न्यूज़ का, ब्यूरो चीफ का, रिपोर्टर्स का, जिन्होंने उस दिन बेहतरीन सहाफती सर अंजाम दिए फ़राइज और बेहतरीन कवरेज हमें उस प्रोग्राम की उस दिन मिली। तो मैं आप सब साफी भाइयों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा, देखिए मेरी चेयरमैन एनडीएमए से बात हुई है, उनकी कोऑर्डिनेशन उन्होंने कहा कि पीडीएमए से जारी और सारी है और अभी तक पीडीएमए ही सारे इंतजाम को देख रही है। सिंध गवर्नमेंट भी अपने तमाम तर वसाइल के साथ वहाँ पर मौजूद है। मेयर सखर एक बेहतरीन शख्सियत है, हमारे नासिर शाह साहब के बेटे हैं, वो भी वहाँ पर रात दिन काम कर रहे हैं। देखें जब कोई बड़ी मुसीबत, आफत या इस तरह के सैलाब फ्लड आते हैं तो ये सिर्फ चंद लोगों के लिए काम नहीं होता, इसमें पूरी कौम को, सारे लोगों को अपने वसाइल के साथ काम करना होता है। तो जो गवर्नर हाउस है वो आप पिछले 22 माह से देख रहे हैं कि हम जिस तरह आईटी के अंदर बच्चों को 50,000 पढ़ा रहे हैं, राशन की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जहाँ जहाँ किसी की स्ट्रीट क्राइम में मोटर बाइक चोरी होती है तो गवर्नर हाउस आके देता है। तो हम बेसिकली हाथ बटाते हैं अपने वसाइल के ज़रिए, मुखय्यर हज़रात के ज़रिए, क्योंकि जो गवर्नर हाउस से काम होता है, ये मैं आज आपको क्लियर कर दूं कि 14 अगस्त का जो प्रोग्राम था और 13 अगस्त का प्रोग्राम था उसमें एक रुपया भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का नहीं था, एक रुपया भी गवर्नर हाउस का नहीं था। अरशद नदीम को जो हमने 10 करोड़ रुपए तक के जो तहफ और कैश दिया उसमें एक रुपया भी गवर्नर हाउस का नहीं था। तो इसी तरह से जो भी काम हम करते हैं, चाहे वो आईटी रिलेटेड हो, मोटर बाइक्स हो, राशन हो, लैपटॉप की तकसीम हो, या आज हम अगर ये सेल बना के अपने मुतासरा इलाकों के सिंध में मदद करने जा रहे हैं तो उसमें भी कोई एक रुपया भी गवर्नमेंट का